नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टीकी जीएस गुरु में। दोस्तों, कहा जाता है कि बनी बनी तो लाखों निसार होते हैं और बने बिगड़े तो दुश्मन हजार होते हैं। सभी पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके जेब में पैसे हैं। दोस्तों, दुनिया बहुत जालिम है, इस दुनिया से सावधान होकर रहना। आइए देखते हैं हम लोग। मित्रों, आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो जो है भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है भारत का महान आजादी। क्या है मित्रों, भारत का महान आजादी के बारे में हम जो है विस्तार से जो है चर्चाएं करेंगे। अगर पूछा जाए कि जो है महान आजादी का प्रावधान किस भाग में है, तो हम लोग भाई जानते हैं जो महान आजादी है उसका जो है वर्णन संविधान के भाग पांच, संविधान के भाग पांच और आर्टिकल है जो है अनुच्छेद जो है 76 में इसका वर्णन किया गया। किसका? भारत के महान आजादी का। मित्रों, ये जो महान आजादी होता है ये भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। प्रथम विधिक अधिकारी होता है। विधिक मीन्स क्या होता है मित्रों? कानून। विधि माने होता है कानून। ये जो है भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, यानी विधि के बारे में, कानून के बारे में सलाह देने के लिए एक महान आजादी का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, ये जो है इसकी नियुक्ति, अगर पूछा कि भारत के महान आजादी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के महान आजादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। मित्रों, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये जो है राष्ट्रपति के ही प्रसाद के तौर पर धारण करता है। ये जो है जो महान आजादी होता है ये राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर धारण करता है। इसका क्या होता है कि यानी राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार राष्ट्रपति जब चाहे महान आजादी को क्या कर सकता है? हटा सकता है। और दोस्तों, लोग जानते हैं जो महान आजादी होता है आर्टिकल 88 यानी 88 अनुच्छेद 88 क्या कहता है कि जो महान आजादी होता है संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, उसमें जो है विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन मित्रों इसे जो है मतदान देने का अधिकार नहीं है। जो यानी जो महान आजादी होता है संसद बोले तो हम लोग जानते हैं जो संसद होती है हमारे देश की सबसे बड़ी नियम कानून बनाने वाली संस्था, नाम संसद है। ये संसद के कार्रवाई में भाग ले सकता है, विचारों को अपने व्यक्त कर सकता है, लेकिन इसे मतदान देने का अधिकार नहीं है मित्रों, इसे महान आजादी को। और इसकी योग्यता क्या होती है? अगर महान आजादी बनना है तो इसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वैसे तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन एक योग्यता है। अगर महान आजादी बनना है तो महान आजादी बनने के लिए आपको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वही व्यक्ति जो है भारत का महान आजादी नियुक्त हो सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। दोस्तों, और हम लोग जानते हैं कि महान आजादी की सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है। ये जो महान आजादी को सहायता देने के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है और दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। महान आजादी को सहायता करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का जो है प्रावधान किया गया है। दोस्तों, ये जो भारत का महान आजादी है इसका जो है भारतीय संविधान में जिक्र किया गया है। ये एक जो है संवैधानिक जो है निकाय है, एक जो है संवैधानिक निकाय है। कौन? महाभारत का जो महान आजादी है इसका संविधान में जिक्र किया गया है, ये जो है संवैधानिक निकाय है। लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल है इसका जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये जो है गैर संवैधानिक निकाय है, यानी जो है सॉलिसिटर जनरल का संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया है, ये जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। देखो, थोड़ा हम लोग अगर परीक्षाओं में ये भी पूछ लेता है, बहुत बार परीक्षाओं पूछा गया है कि भारत के जो है प्रथम महान आजादी कौन थे मित्रों? तो भारत के प्रथम महान आजादी जो थे वो थे एम सी सीतलवार। भारत के जो प्रथम जो है महान आजादी थे MC सीतलवार, इनका जो कार्यकाल था मित्रों 1950 से लेकर 1963 तक, इनका जो है कार्यकाल जो था 1950 से लेकर 1963 तक का, यानी जो है 13 वर्षों तक जो है सबसे लंबा कार्यकाल हो सकता है इनका जो है सबसे लंबा कार्यकाल है। किसका? एमसी सीतलवार, जो हमारे देश के जो है प्रथम महान आजादी थे, इनका जो कार्यकाल था जो है 13 वर्ष का था। अगर पूछेगा कि जो है वर्तमान इस समय भारत के महान आजादी कौन है, तो जो है दोस्तों हम लोग जानते हैं KK वेणुगोपाल। कौन भैया? KK वेणुगोपाल। इसमें क्या है? हमारे देश के जो है महान आजादी है KK वेणुगोपाल है। अब दोस्तों देखो परीक्षा में पूछ लेता है कि महान आजादी के प्रावधान किस अनुच्छेद किया गया है, तो हम लोग अभी हमको मालूम है कि अनुच्छेद 76 में, लेकिन जो है हम लोग भूल जाते हैं कि जो है भारत का महान आजादी प्रावधान किस आर्टिकल में है। लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से हम नहीं भूलेंगे। देखो, ऐसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, भारत के महान आजादी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? हम इसको जो है, तो दोस्तों देखो इसको हम लोग किस कैसे याद करेंगे कि जो भारत का महान आजादी होता है ये जो किस अनुच्छेद में, तो इसको अंग्रेजी में अगर बोले तो अंग्रेजी में बोला जाता है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत का महान है अधिकारी, देखो अटॉर्नी को थोड़ा थोड़ी देर लिए हम लोग ये हटा के क्या करेंगे, हटानी खा बना देंगे, हटानी अटॉर्नी थोड़ा देर लिए हम लोग क्या बन देंगे, देखो टिक टिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे, अटॉर्नी थोड़ी देर लिए हम लोग हटानी कर देंगे, यही जो है किसी को हटा दोगे, किसी को हटा दोगे तो क्या करेगा, साथ आपका छोड़ देगा, आपका साथ है छोड़ देगा, हटानी किसी को हटा दोगे तो साथ छोड़ देगा, तो साथ हो जाएगा क्या साथ और छोड़ हो जाएगा छह, यानी जो है सात और छह मिला क्या हो गया अनुच्छेद छिहत्तर, यानी अटॉर्नी जनरल का जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद छिहत्तर में है दोस्तों। और मित्रों जैसे भारत में ये जो है भारत सरकार को बिल के बारे में कानून के बारे में सलाह देने के लिए भारत में महानवादी का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार से अगर पूछे राज्य सरकार को, यानी जो राज्य सरकार को सलाह देने के लिए किसका किसका नियुक्त किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो राज्य सरकार होता है उसका जो है प्रथम विधिकाधिकारी होता है, इसको हम लोग कहते हैं द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये जो है राज्य का महाधिवक्ता के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो केंद्र सरकार में होता है उसे द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है भारत का महान्यायवादी कहते हैं, भारत का प्रथम विधिकाधिकारी के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों ये थी हमारी जो है आज की जो है टॉपिक भारत का महान्यायवादी, आपको जो है वीडियो कैसा आया, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, थैंक यू सो मच।